2024 का चैप्टर 1 है, फर्स्ट शुरुआत हुई है। अच्छा। अभी देखो होता है क्या आगे। आपके कहने पर ये लड़की कैटवॉक कर रही है, करो कैटवॉक। हाँ क्या बात। हमेशा देखते हो हमारे बच्चों की जो ब्राइडल्स होती हैं ऑलवेज डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ होती है। जब तैयार होगी सोच रही हूँ चली जाऊँ ढूंढने। कलीरे भी अपनी भाभी के लेकर आई थी स्टूडेंट्स को देने के लिए। कलीरे चुके लिए तू जी। एक्चुअली मुझे नजर लग जाएगी ना, मैं सबसे सुंदर लग रही हूँ इसलिए। रहन दो ग्लास ग्लूस प्लेटा व्लूटा कुछ लिया दे। ये भी लगा था जेड़ा सामान बची है ना। ZNS मिस्ट। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त बोलते सुभित सिंह। जैसा कि आपको पता है ZNS NIST एकेडमी जम्मू हर दिन कोई एक नया ना नया इवेंट करवा रहा होता है। तो आज ZNS NIST करवा रहा है अपना ब्राइडल शूट 2024 चैप्टर 1। तो चलिए इन लड़कियों से बात करते हैं, ब्राइडल से बात करते हैं और आपको बताते हैं इवेंट कैसा चल रहा है। सो गाइस, जम्मू में हो रहा है ZNS NIST की तरफ से स्वयंवर, और वो भी बिना पतियों के। तो मैं इस लड़की से पूछना चाहता हूँ, कुड़ी पूछना मैं, स्वयंवर रचा दी है मतलब लाड़ा कुछ तेरा कुड़ी क्या तेरा बस ठीक तू सुनाओ ना आगे तेरा दिया कपूर दिया शर्मा तो दिया शर्मा यार ऐसे स्वयंवर हुआ ऐसे लाड़ियां तैयार हुई थी लाड़े कुछ नहीं थे लाड़े को अच्छी है थे की जगह नवी लाड़ी तो पिले दिया ने थे रही है कल्ले तो पुरानी हुई थी आहो पुरानी हुई। सो गाइस हमारे साथ एक बहुत सी क्यूट सी चबी सी एक मॉडल है ही करे सुंदर सी सुंदर दे आई है यार आखने दी जरूरत है। तो यार देखो कितनी क्यूट लगी असलियत इसके पीछे है। ये तू सुनाया कि तू कपड़े खोली उड़े देना कि आज अटायर के यूं लेता है सब बने डाले थे तो मैंने सोचा मैं अब चेंज कर लेती हूं। बट मैं एक चीज कहूं तू सारे को ना मतलब बहुत अच्छी लगनी है यार। आपके कहने पर ये लड़की कैटवॉक कर रही है, करो कैटवॉक। हाँ क्या बात है क्या बात है क्या बात है। आए हाय कमेंट नहीं किया ये बोले ना मैंने कहा कमेंट नहीं किया मैंने कमेंट करना नहीं चाहता। यार बड़ी क्यूट लगे ना आगे कुड़ी तेरा रिंपिका शर्मा फ्रॉम उधमपुर तो आई है स्पेशल साड़ी से कैटवॉक करने से जी बिल्कुल। मेरे साथ भी एक दुल्हन बैठी है, मैं उस दुल्हन से बात करूंगा। यार बड़ी क्यूट लग रही, बट मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो। एक्चुअली मुझे नजर लग जाएगी ना, मैं सबसे सुंदर लग रही हूँ इसलिए। ओहो नजर मैंने लगा ही दी है, मुझे लग रहा है लगा दी है नजर। तू यार ये मतलब मुंह दिखाई के पैसे लेने हैं तभी मुंह गुंगड़ खोलोगे, ऐसे नहीं खोलोगे। हाँ मुझे मुंह दिखाई के पैसे दो आप। मुंह दिखाई के पैसे दूँ? हाँ जी। यार मेरा वो एक्चुअली वार्ड बॉय बाहर है मेरा ना, एक्चुअली वैनिटी वैन में बैठा मेरा वार्ड बॉय, तो मैं बाद में दे दूंगा, आप मुंह दिखा दो। हाँ ठीक है, आप मेरा स्कैनर ले लो, मुझे गूगल पे कर देना। बड़ी बड़ी शिया है के स्कैनर, इन्हें पैसे लिए शाले। अच्छा तू यार ये उठाओ तू सही 2 मिनट यार। आए हाय 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 कश्मीर दा सेऊ नवी वार दा। तो ये जो आपने अभी अटायर लिया हुआ है ये कौन सा अटायर, ब्राइडल ही है ना? ये ब्राइडल तो है, बट ये मुझे लग रहा है सारी इंडियन ब्राइड का जो वेट है ना मेरे अंदर ही घुस गया, इतना ज्यादा वेट हो गया मेरे पास। कितना केजी का होगा अप्रोक्सीमेट? ये चुन्नी मुझे लग रहा है 5-6 केजी की है, एंड लहंगा तो अप्रोक्स 10 केजी। जो गर्ल्स दुकान में मम्मी के कहने पे दूध लेने नहीं जाती, दही लेने नहीं जाती, इधर 5-5 किलो दी चुनियाँ ले दी ने, तो कोई एक गाना डेडिकेट करोगी? फिलहाल तो मुझे मेरे तो एल लग गए, मुझे तो यही लग रहा है। मेरे तो एल लग गए। मोए मोए सीन चल रहा है मेरे साथ, कभी गर्दन ऐसी कभी कुछ। अच्छा, इतनी देर से आप बेसिकली कहाँ से हो? मैं बेसिकली कठुआ से हूँ। कठुआ से? हाँ जी। अच्छा, तो कठुआ यार डोगरी क्यों नहीं आती आपको? बिकॉज मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ। ये परतां खुली आ रही हैं, बेसिकली कठुआ से बेसिकली मध्य प्रदेश। आपका मेकअप आर्टिस्ट कौन था? प्रिंस भैया थे। कहाँ है प्रिंस भैया? वो उनका चार्जर गवाच गया है। देखिए मतलब इसकी सुंदरता को जिसने निखारा है वो हमारे साथ हैं प्रिंस जी। इधर बाल देखो किए खड़ोते नहीं है, खड़े कितने बाल। गुरु जी आप कहाँ से हो? सांबा से। हाँ जी। वहाँ ये बंदे बाल ये जल जुल लाइए जल लाइए खड़े नहीं स्प्रे स्प्रे। हाँ जी। जैसी भी फैन हो? नहीं नहीं फैन हो? किसी का फैन नहीं, खुद का फैन हूँ मैं। खुद का? हाँ मैं सलमान का फैन, खुद का फैन है। खुद का फैन ये सेमी गली के? नहीं नहीं नहीं, वो चार्जर गुम हो गया था, वो ढूंढ रहा था। कोई मैं चार्ज कर दूंगा फोन टच के ला दे, चार्जर मैं ले उड़गा ना, खुश हो यार। हाँ जी खुशी है यार। कितना टाइम लगे तैयार करते? 1.5 घंटा लग गया। डेढ़ घंटा बस यार, जल्दी नहीं तैयार किया। तो अगर ऐसे मार्केट में एक ब्राइडल को तैयार करना 1.5 घंटा, कितना चार्ज कर लेते हो? 10,000 मतलब 1.5 घंटे जो बंदे ने एक ब्राइडल तैयार की, अप्रोक्सीमेट बंदे ने 8 घंटे मतलब 6 मतलब ध्याड़ी
लाख रुपए उधर ही छोड़े आने भी तो शायद ही बुकिंग है। होते हैं और इन लड़कियों से बात करते हैं, तो ये देखिए एक खूबसूरत सी ब्राइडल, ये ब्राइडल नहीं मुझे लग रहा कोई वो स्टैचू है, नहीं नहीं लवाई 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 लवा। हेलो हेलो भाई कुछ कटी है, हेलो कुछ कटी भाई, हेलो हाय हाय आरजी है क्या तू? ना ना तो फिर ये नहीं मीठी भाई कुछ कटी है, नहीं नहीं फुल फल कुने लाए ने? लाड़े ने गिफ्ट किते थे, लाड़े ने तो लाड़ा कुछ है वो नहीं है। कुड़िया इमेजिनेशन के खेलते रहती है ना। लाड़ा कुछ इमेजिनेशन है? नहीं नहीं कहीं काम कर रहा होगा, काम तिहाड़ी दुड़ी लादा। हाँ सही हाल है यार, फिर मेरे नखरे कैसे उठाने हैं? मतलब बेचारे तिहाड़ी लगे तो अपने नखरे उठाने। हाँ पाप चढ़ने दी। नहीं नहीं मैं भी तो काम करती हूँ ना, उसके नखरे नहीं उठाती हूँ, वो क्या अकेले उठाता है। इतनी खूबसूरत सी ब्राइडल तैयार की है, कितना वक्त लगा इसको तैयार होने में? मैंने 1 आवर में रेडी कर दिया था इनको, शूट वगैरह हुआ। ये जो आप जैसे मैंने इनकी मैं इनकी गुत जियां डोगरी बड़ा है गुत देख रहा है, ये किनारी ये लपेटी दी, ये आईडिया कुत्थों आंदे थानू? आइडिया आई जाते जल्द ब्रेड जल्द आते ना, मेकअप आर्टिस्ट बंदा बनी आता उल्ले आइडिया आई जाते अपने आप। ये आपू किता सारा सिस्टम? ये मैं सारा डिजाइन आपू किता, लहंगा पूरा लहंगा। हाँ ये लहंगा आपू डिजाइन किता था मैं। अच्छा सारा। ये डिजाइनर के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट भी है, देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने लहंगा डिजाइन किया है, उनकी क्यूट सी हम ब्राइडल से पूछते हैं, इन्होंने तंग तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं पक्का नहीं। देखो बेचारी पहले की डरी थी, मैं पता नहीं कितना कुटना है, देखियो मारनी बेचारी। मैं क्यों मारूंगी इसको? नहीं बेचारी डरी रही है, बेचारी बोला ही कुछ नहीं है। नहीं सूजन बात करेगी, सूजन बात करो आप। ये रोबोट आओ, सूजन बात करो, सूजन बात करेगी, सूजन चुप रहो। सूजन ये क्या इतना क्यों डर रहे हो उनसे? नहीं मैं कहां डर रही हूं, बेचारी डर भी है ना, अगली बार भी इन्हें मेकअप करना, कुछ ये मेकअप है कुछ सुरखी बिंदी कोई टेढ़ी मेढ़ी। एक ब्राइडल हमारे लिए केक लेके आए, थैंक यू मैम, मेरे लिए लाया ना? ले लीजिए बिल्कुल। नहीं यार इन्हें अपने के लिए नहीं है कोई ले यार, दो चिमचे दिखे, मैं सोचा एक चिमचा मेरा है। मेकअप आर्टिस्ट के लिए उसने इतनी मेहनत की है, सुबह से इतना सुंदर तैयार किया आपको तो नहीं अपू गली पा दे तू। उनके है ना इसीलिए मैंने उनके है ना पकड़े हुए मैंने। आपने तैयार किया इनको? हाँ मैंने तैयार किया, बहुत प्यारा तैयार किया यार। कितने टाइम लगे तैयार किया? 2 घंटे। 2 घंटे लगी? 2-3 आराम से। सो गाइस ये देखिए ये डिजाइन भी अपू किया या नहीं, या मेकअप भी किया? तो ये ZNS एकेडमी का ही है। अच्छा। डिजाइन किया हुआ इन्हीं का लहंगा है। ZNS की यार जो स्टूडेंट्स है बहुत क्रिएटिव है यार, देखो जैसे गुत पे किसी ना किसी ने अलग अलग तरीके से इन्होंने किया है। ये किनारी लाई कुछ आया दिमाग? खुद से आया। खुद से आया? हाँ। यार उन्हें भी किनारी लाई बट उनकी अलग शेप दी ही, इन्होंने भी किनारी लगाई है यार, बढ़िया है यार। ये बच्चे कुछ बड़ा क्या कर रहे? मैंने जुगाड़ करके लगाई है यार। मेरी गल सुनो, हूँ साढ़े रिश्तेदार कुछ ब्याह हो रहा, साढ़े एक रिश्तेदार कुड़ी है मीनाक्षी मीनाक्षी, तो मुफ्त करे देगी यार उधर? हाँ बिल्कुल। पक्का? बिल्कुल पक्का ना पक्का। ये कितने पैसे लेने होने एक ब्राइडल तैयार करने? अभी तक तो मैंने करी नहीं है। करी नहीं है? फर्स्ट टाइम है मेरा। अच्छा ये फर्स्ट टाइम है? हाँ। लगा था नहीं, मैं सही सुना लगा था नहीं है, फर्स्ट टाइम है। यही लगा बड़ा प्रोफेशनल है तू, काफ़ी देर दी गुड़ी नहीं है इस फील्ड में। तो ऐसे जो लड़के बोलते हैं लड़कियां नखरे करती हैं यार, नखरे के साथ देखो कितना पार चुके था कुड़ी ने यार, ये देखो थक गया सुबह से उठा उठा। कितने किलो का होगा यार ये कॉस्ट्यूम? किलो तो पता नहीं बट भारी बहुत है। कहीं मैं कोई वो है नहीं है, त्रकड़ी वाली नहीं है, आड़ती नहीं है, इन्हें भी पता किन्ने किलो था किन्ने नहीं, बट भारी बहुत है यार। फिर भी यार इं मैं चुका दी ना, पार सही होगा था बड़ा पार है यार। दूल्हा मिला? अब तैयार होगी, सोच रही हूँ चली जाऊँ ढूंढने। उन्हें इं जाना रोड लाल दुपड़े से है, मुड़े ने दौड़ दौड़ दे के आई जाना। लाइन लग जाए कोई बात नहीं, हम तो पसंद कर लेंगे, इतना सुंदर तैयार किया कुछ तो फायदा हो ना उसका। और देखो यार कोई लाइन लगा लो, मतलब कोई अगर DM करेगा तो मतलब देखते हैं स्वयंवर। स्वयंवर जाने के लिए तैयार आए हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने हमें शाम को तैयारी देनी है, पैसे वैसे देने हैं, हम उनसे बात करते हैं और तरीके से बात करते हैं क्योंकि शाम की तैयारी भी लैनी है। नमस्ते जी। नमस्कार जी। इन्ना रीमेड कीते दा इत्थे, मतलब हुण केक भी कटोया, राजमा चौल दाल अंबल दा भी बंदोबस्त कीते दा, शायद सब कुछ। किन्ने बच्चे आए थे अज इत्थे? हमारे पास ना 30 प्लस स्टूडेंट्स का था अमाउंट, जहाँ पे काउंट था जिन्होंने अपना ब्राइडल शूट था इनका। जब भी जैसे हमारे पास बच्चों को हम ट्रेनिंग करवाते हैं, हम इन बिटवीन ट्रेनिंग में हम बच्चों को ना एक प्रोफेशनल शूट देते हैं ताकि उनकी प्रोफाइल बनाने में हेल्पफुल हो, उनको अच्छा काम मिले मार्केट में, कल को वो इंटरव्यूज़ के लिए जाएँ, जॉब्स के लिए जाएँ, तो एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल दिखाएँ। क्योंकि नाउडेज आपको पता है कि इस टाइम इसी चीज़ का कि आप जितना अपना कंटेंट दिखाओगे उतना ही आप बिकोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग ताकि इनको कोर्स सर्टिफिकेट के साथ साथ ही अपना कंटेंट भी लेके जाए यहाँ से। ये जो मतलब अभी चैप्टर 1 है, मैं काफ़ी देर से आपके साथ जुड़ा हूँ, मैं काफ़ी देर से आपके इवेंट्स भी मतलब इधर आता हूँ मौजू मौजू पाने से। तो ये जो चैप्टर 1 का नया एक अपने एक वो शुरू किया है, क्या है?
असी देखिए हमारे पास ना डिफरेंट मतलब ग्रुप्स के बच्चे बैचेस आते जाते हैं, तो हमने इस बार का नए साल में कुछ नया करे, तो इस बार का हमने रखा है कि हमने चैप्टर वाइज रखेंगे। अब देखो साल में कितने चैप्टर्स हमारे बनते हैं। मैं स्कूल एक चैप्टर पढ़ लिया था, मुझे लगता बड़ा पढ़ी लेता, ये आखा चैप्टर और पढ़ाते रहने से बच्चे। जी हाँ जी, पढ़ाते रहेंगे और अच्छे से बच्चों को ट्रेन करते जाएंगे। आज का था क्या वैसे? आज हमारा प्रोफेशनल ब्राइडल शूट था जिसमें बच्चों ने रेडी करना था हमारी मॉडल्स को। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने मॉडल्स का जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमारे आर्टिस्ट का काम प्रेजेंट किया। तो बच्चों ने बस रेडी करना था अपनी ब्राइड्स के लुक में और डिफरेंट लुक्स के साथ किया। आप हमेशा देखते हो हमारे बच्चों की जो ब्राइडल्स होती हैं ऑलवेज डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ होती है, हेयर स्टाइल्स से लेकर मेकअप तक, आई मेकअप, आउटफिट, ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ आउटफिट मैचिंग प्रॉपरली होती है। तो वो चीज़ें हमने प्रॉपरली उनको कंटेंट क्रिएट करके दिया बच्चों को। जो आप अभी मैं बड़े सारे ब्राइडल्स को देख रहा था, किसी गुत में किनारी थी, किसी की मतलब थ्रेड थी, ये कॉन्सेप्ट आप भी सारे बच्चों को देते हैं? हाँ जी हाँ जी, इसमें हम बच्चों को बताते हैं कि ट्रेंड के साथ कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करो। पहले हम सिंपल परांदा लगाते थे, अब नाउ डेज हम लेसिस लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन कर रहे हैं। लेसिस चश्मे लेसिस बोले नी, ये फैब्रिक वाली जो हम अपने ब्लाउजेस लेसिस वगैरह लगाते हैं। कोई नहीं, आने वाले टाइम पे वो भी कभी कोई थीम होगा किसी के अकॉर्डिंग वो भी लगा लेंगे। फिर अपने शूज के ढूंढते रहना सभी भी कर सकती है। जेडएनएस टीम के मेंबर्स हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है इनके साथ जो इवेंट सक्सेसफुल होने के चक्कर में। तो नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आपका कितना हाथ है इसके इवेंट में? सर मेरे हाथ पैर सब कुछ है इसमें तो अभी फिलहाल। एक शॉल शूल कर लिए, ठंड लगने जल्दी। ये एक्चुअली स्टूडेंट्स को कॉस्ट्यूम्स के साथ मैच वो चाहिए थे, तो मैं फिर अपनी कॉस्ट्यूम्स लेकर आई थी थोड़ी। अच्छा, अपने घर से लेके आए थे? जी हाँ जी हाँ जी। नहीं यार। जी सर। यार इधर तनख्वाह तो बताने चाहिए यार, बेचारी करूँ कपड़े भी लिया रही है। मैंने इवन कलीरे भी अपनी भाभी के लेकर आई थी स्टूडेंट्स को देने के लिए। कलीरे चुके लिए तू? जी जी, ये देखो घर धुप्पी होनी कलीरे कुड़ी ली आई दी है, प्रेरणा ये माइके थोड़े कलीरे। यार भरजाई सुनाई दी आना। हाँ कोई ना, घर जाके बता दूंगी उनको। भरजाई तेरे भ्रा ही गफे कटाई हुए चीज मेरे कलीरे बेची आए कुदे। तो गाइस ये भी है ना, गुमसुम गुमसुम। नमस्कार। नमस्कार जी। बोली लगी छे जिन्ना पुछगा ना दसना, ये उन्होंने टीचर जिन्ना पुछना उन्ना के जवाब देना, इन्हें ज्यादा नहीं। मैडम आपका क्या नाम है? कोमल चोपड़ा। कोमल चोपड़ा, नाम है कि ना, ना विच कि ना बे, ना एडा बड़ा ते आवाज देखिए कितनी मीठी है दिखती है ने। कोमल कोमल मधुर आवाज, कोमल मधुर, लेकिन कोमल बेस है कोमल बेस तो है। आज सुने आपका बर्थडे भी है? हां बिल्कुल है। सानू केक भी खिलाई ना, वो देखो केक। हां मुकिया जाओ ते सही, ओ क्रेड है सड़ी चटिए खाने मोने ये करी लो फिर ये खाने मोने। हम साडे कने एक कुड़ी और है ए, नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक। उते है दोस्त लब्बी नहीं यार बड़ी देर से, कदे एक बच्चे कोल, कदे दूए बच्चे कोल, त्रीए बच्चे कोल, बच्चे कोल है। तुस की पढ़ांदे हो बच्चे यूं? पहले सारे बच्चे मेकअप सिखाने, हेयर स्टाइल सिखाने, स्किन दा सिखाने, सब कुछ सिखाने उन्हें। मी भी करो थोड़ा मेकअप यार, देखो ये मैं लगे ते हम तोही सिखागे। सिखाना थोड़ा ना करना, बस करना कोई नहीं, फिर तोही भी सदी है बंदी सारे चक्कर बकरा लगना ब्राइडल शूट विच कश्मीरी फिरन आए है। एम्ब्रॉयडरी खो, एम्ब्रॉयडरी भी आपू की, इसी एम्ब्रॉयडरी आदे ना, एक कढ़ाई भी आपू की थी? नहीं नहीं, तुस कर ही सकदे हो, तुस जड़न है। मैं की थी यार, ये जड़न से नहीं स्टालिन हम च की थी, ऐसे जन्म च बेच उड़े सी कुड़ी नहीं लाल गली हुई थी, पता नहीं नेचुरल थी हो सकता है, पीने ना बदी दा नहीं। तेरा तेरा गिनात था इस इवेंट च? उधर ते हाथ पैर बावे सारे जीते सड़े, सबका सब कुछ ही है, सबका सब कुछ ही है। मैडम तंग तो नहीं ना करती? सच ना मैडम इं खड़ो ना, मैडम को सुना मैं मैडम मैडम को पिट करी खड़ो सच सच ना बोली उड़ा जी। तनखाह तनखाह टाइम सर सुनती नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल तनखाह टाइम टाइम तो पहले आज मेरे भी इंटरव्यू पहले भी हुआ है, मेरे सारे स्टाफ ने आईफोन ले लिया हुआ है। ओहो यार ये तो मैं दिखे ही नहीं, इसी च पालो, ये नहीं है आईफोन, बाकी तो यार ये देखो जैन निस्ट के ब्याज के वास्ते हैं सड़ा पैसा इंदे कोल, देगा देगा मन्ना देनी है ना। वो देखो बेचारे किन्ने मेहनत करा, उधर कैमरामैन मारो उधर कितने मेहनत करें सर, ये देखो
ਇਹ ਲੱਗੇ ਗਲਾਸ ਗਲੂਸ ਪਾ ਦੇ ਜੀ ਬੈਕਾਂ 'ਚ ਸਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਗਲਾਸ ਗਲੂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਪਲੂਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਚੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਪਾ ਦੇ ਦੱਸ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਤਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਫੇ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਵੀਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ ਸ਼ਵੀਰ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਸਰ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕੀ 10 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਘਰ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਫਾਲਤੂ ਰੱਖੀ ਉੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 10 ਰੁਪਏ ਮਾਲਕ ਵੱਧ ਦੇ ਉੜਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਵੀਰ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਢਾਈ ਨੇ 10 ਲੇਟ ਆਉਣੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਢਾਉਣੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਢਾਈ ਲੇਟ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਸਵੀਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 100 ਫੁੱਟ ਰੈਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਆ ਲੈਣਾ ਬਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟੀਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਐਡ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨਾ ਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਤੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕੇ ਸਾਥ ਜਬ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਉਹ ਆਗੇ ਕੈਸਾ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੈਸਟ ਦੇਣੇ ਕੀ ਜਬ ਬੈਸਟ ਕੀ ਤਰਫ ਹੋਤੇ ਜਬ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਾਮ ਕਰਦੇ ਤੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਸਕੋ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆਤਾ ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰੇ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟੀਮ ਕੀ ਤੋ ਇਹ ਸਭ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਵੀ ਹਮਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹਮ ਵੀ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀ ਜੋ ਹਮਸੇ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਵੋ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਚਾਹੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਸਕੇ ਲੀ ਮੁਝੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ੇ ਹੋਣਗੀ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜੋ ਬੈਸਟ ਵੇ ਮੇ ਹਮ ਬੱਚੇ ਕੋ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈ ਵੋ ਹਮੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਸਕੇ ਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੜੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇ ਕਿਤਨੀ ਬੈਸਟ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬੈਸਟ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬੈਸਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਇਨਕੇ ਜੋ ਟੀਮ ਕੇ ਬੰਦੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਫੋਨ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਤੁਹਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੇ ਪਾਸ ਐਪਲ ਉਹ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਭ ਕੋ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਕੀ ਦੇ ਬਟ ਇਹਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਇਨਕੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਦੇ ਗਮੀ ਸੁਣਾਇਓ ਯਾਰ ਸ਼ਵੀਰ ਸਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਓ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਸੁਣਾਓ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਤਾਏਗੇ ਆਪਕੋ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾਂ ਪਏ ਆਖਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਐਪਲ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਐਪਲ ਆਈ ਥਿੰਕ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ 150 ਵਾਲੇ ਐਪਲ ਆਈ ਹੈ ਯਾਰ ਸ਼ਵੀਰ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਿੰਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਸੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕੇ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਮੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਐਂਕਰ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਆਦਮੀ ਜੰਮੂ ਮੇ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਾ ਤੋਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਬ ਅਗਲਾ ਕੌਨ ਸਾ ਬੜਾ ਧੂਮ ਧੜਾਕੜ ਵਾਲਾ ਇਵੈਂਟ ਅਗਲਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਭੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ 112 ਫੀਟ ਤੋ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋ ਕੁਛ ਔਰ ਅਭੀ ਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਨਯਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇਵੈਂਟ ਤੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋਗਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰੀ 200 ਫੁੱਟ ਕੋਦੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਕੁਦੇ ਇਹਨੇ ਕੁਦੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ देखो डेफिनेटली इस बार आउटडोर ही क्योंकि अब हम इंडोर कर नहीं सकते अब 112 से ज्यादा जाना है तो अभी से चल रहा डिजाइन उसका तो देखो डेफिनेटली कुछ तो तूफानी करेंगे ये देखो इन्होंने बड़ा महंगा केक लाया हुआ है गाइस ये देखो कितना मैम ये कागज ऊपर ला दे खाई लेंदे कने खाए भी सकते हैं आखिर मतलब कि सवेरे इतनी भूख लगी थी जब आपने इन्वेस्ट किया तो कोई भी चीज क्यों छोड़नी मतलब देखेंगे बताएंगे आपको आप होंगी ना मैं सुनेगा कि मुबारक मंडी ना इन्हें देगा दबी दी कुछ वो तू कुछ नहीं लभी दी ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕੂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ ਕੋ ਕਾਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਜਲਾਲ ਇੱਧਰ ਕੇਕ ਮੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਕੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕੁਛ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ ਕਮਾਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ
तो अब ये चैप्टर वन शुरू हो गया, अब चैप्टर टू कब आएगा? वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। ये सुनांदे किश नहीं ना, ये बम्ब ही फाड़ देने और इंदे बम्ब फूसी नहीं होंदे ना, ग्रेनेड बम्ब फाड़ देने। आगे लगे बम्ब चले बाहुबली, बड़ा धमाका करदा इंदे बाहुबली वाले बम्ब ने इंदे। ZNS मिस्ट। अगर आप भी इतना खूबसूरत सा मेकअप सीखना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइए ZNS NIST Academy, जो कि जम्मू में है। एक ब्रांच इनकी गांधीनगर में है और दूसरी है बड़ी ब्रह्मा। जल्दी से एडमिशन ले लीजिए और इतनी अच्छी अच्छी ब्राइडल्स को तैयार कीजिए। और बाकी की वीडियो के लिए देखते रहिए द चैटरबॉक्स। बाय बाय दोस्तों।